हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साइकोटिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एमिटोन प्लस टैबलेट, जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसके अंदर जो है दो कम्बिनेशन है। इसके अंदर जो है क्लोरडाइजोपॉक्साइड जो है ये 5 मिलीग्राम मिल जाएगा, और एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड जो है 12.5 मिलीग्राम मिल जाएगा। इसके अंदर जो क्लोरडाइजोपॉक्साइड है एक प्रकार का बेंजोडाइजिपिन क्लास की दवा है, और एमिट्रिप्टिलिन जो है ये एंटी डिप्रेसेंट क्लास की दवा है। दोनों दवाइयाँ जो है मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करता है, और ये जो है डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्राइब की जाती है। खुद से दवाइयाँ नहीं लिया जाता है, डॉक्टर कहते हैं तभी लिया जाता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, तभी यह लिया जाता है। खुद से यह दवा कभी भी यूज न करे। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 37 से 40 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। 10 टेबलेट का एक पत्ता आता है। और इसके यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, चिंता रहता है, ठीक है, टेंशन हो, इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो, रात को नींद नहीं आता हो, ज़्यादातर बुजुर्ग व्यक्तियों में देखा जाता है, या कोई घबराहट के कारण जो है नींद नहीं आती हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, तो उसको भी यह ठीक करता है एमिटोन प्लस टैबलेट। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से पहले भी जो है डर लगा रहता है, भय लगा रहता है, तो उसको भी यह ठीक करता है एमिटोन प्लस टैबलेट। इसके अलावा सदमे लगा हो, किसी को शॉक्स लगा हो, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति जो है शराब का सेवन किया है, शराब का नशा है उसको, और वो नशा छोड़ना चाहता है, तो नशा छोड़ते टाइम जो है उसको उदासी रहती है, बेचैनी रहती है, ठीक है, तो उसको भी ये ठीक करता है, उसको भी कंट्रोल करता है एमिटोन प्लस टैबलेट। इसके अलावा जो है क्रोनिक पेन में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, या किसी भी कारण से, बिना कारण से जो है उदासी रहे, बेचैनी रहे, टेंशन रहता है, तो उन सभी को ठीक करता है ये एमिटोन प्लस टैबलेट। और इसके डोज की बात करें तो देखिए, यह दवा जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है, प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही लिया जाता है। ऐसे तो आपको मिलेगा ही नहीं किसी मेडिकल स्टोर पे। लेकिन इसका कॉमन डोज की बात बता दें कि कितनी डोज में दिया जाता है, तो एडल्ट में जो है 1 से 2 टैबलेट जो है, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार दिया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है, सुबह, दोपहर और रात में, लेकिन 2 टैबलेट ही काफ़ी रहती है। बहुत ज़रूरत होने पे ही दिन में 3 बार दिया जाता है, और इसको जो है आप खाना खाने के बाद लीजिए। बच्चों में इसका इस्तेमाल जो है नहीं करना है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सुस्ती आना, मुंह सूखना, या जो है यूरिन त्यागते समय कष्ट हो सकता है, यूरिन में रुकावट आ सकता है, पेशाब में रुकावट आ सकता है, ब्लर विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, कंफ्यूजन, हार्ट रेट बढ़ जाना, वेट गेन होना, ये सभी जो है इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट अगर देखने को मिलता है, तो आप जो है इस एमिटोन प्लस टेबलेट का इस्तेमाल न करें, और अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। बात करें यह टेबलेट लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो देखिए, यह टेबलेट जो है बच्चों में नहीं देना है, और बिना डॉक्टर की सलाह से यह टेबलेट लेना ही नहीं है। डॉक्टर की बताए हुए डोज ही लेना है, ना ही कम लेना है, ना ही अधिक लेना है। यदि किसी व्यक्ति को इसमें उपस्थित इन्ग्रीडियंट से, यानी जो है क्लोरडाइजोपॉक्साइड से या जो है एमिट्रिप्टिलिन से किसी भी प्रकार की एलर्जी होता है, तो उस कंडीशन में भी जो है ये एमिटोन प्लस टेबलेट नहीं लेना है। इसे जो है लंबे समय के लिए यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो, उनमें भी यह टैबलेट नहीं देना है। ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो, मिर्गी का दौरा पड़ता हो, या सीवियर हार्ट डिजीज हो, तो उनमें यह टैबलेट नहीं देना है। लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है किसी व्यक्ति में, अगर लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनमें यह टैबलेट ना दे। ओल्ड एज में दिया जा सकता है, लो डोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही। ब्रेस्ट फीडिंग में यह टैबलेट कभी भी नहीं देना चाहिए, प्रेगनेंसी में भी ना दे, दिया जाता है लेकिन डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, इसलिए आप जो है इसे ना दे। और इस टैबलेट को लेने के बाद अल्कोहल का भी सेवन न करें, ड्राइविंग भी न करें, क्योंकि हो सकता है चक्कर आए तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, तो उनमें जो है विशेष सावधानी के साथ ही यह टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। या कोई व्यक्ति अगर कमज़ोर पेशेंट है, तो कमज़ोर पेशेंट में भी जो है बहुत सावधानी के साथ यह टैबलेट यूज करना चाहिए।
तो दोस्तों ये था एमिटोन प्लस टैबलेट की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके।